हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक कुमार पांडे और ये जो सीरीज है ये सीरीज है पोस्टग्रेस का। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनियन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं पोस्टग्रेस के अंदर वो सब चीज़ हम लोगों ने जान लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग एडवांस की तरफ जाते हैं और उसमें हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक है एडवांस में वो है यूनियन ऑपरेटर। अब बेसिकली हम लोग समझते हैं कि यूनियन ऑपरेटर क्या है। तो देखिए, यूनियन ऑपरेटर जो बेसिकली ये काम करता है ना पोस्टग्रेस के अंदर या फिर आप एसक्यूएल के अंदर, उसका काम यह है कि दो, अगर सपोज मान लीजिए कि दो एसक्यूएल क्यूरी है आपके पास, ठीक है, और दोनों को अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो दो बार आप अलग अलग क्या करते हैं, क्यूरी करते हैं और दो अलग अलग बार उसका रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन यूनियन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जितने भी आपके पास ये हैं टेबल्स हैं उनको आप एक सिंगल क्यूरी में आप लिख सकते हैं, ठीक है, और उनका रिजल्ट आप एक ही टेबल में ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसको कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे मैंने बोला कि दो या दो से ज़्यादा टेबल, ठीक है, तो पहले तो हम लोग के पास दो टेबल होने चाहिए। तो मैं ऑलरेडी एक टेबल का स्ट्रक्चर में लिखा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखने जाऊँगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो टेबल का स्ट्रक्चर है और इंसर्ट क्यूरी जो मैंने इसमें लिखा हुआ है वो मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और उसका लिंक जहाँ पे मैं लिखूँगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वहाँ पे वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसका जो क्यूरी है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो दो बनाया है, तो दो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, एक टॉप रेटर फिल्म का और एक मोस्ट पॉपुलर फिल्म का, ठीक है, जिसमें टाइटल है और रिलीज डेट है। सेम चीज़ यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर फिल्म में भी क्या है, टाइटल है और रिलीज डेट है। इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी ये तो हो गया कि ये टेबल को क्रिएट कर देगा, लेकिन इसके साथ हम लोगों को क्या करना है कि इसमें डेटा भी चाहिए, तभी तो हम लोग इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्यूरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो पहले क्या करेगा, ये टेबल क्रिएट करेगा, उसके बाद उसके अंदर एक एक करके उसने कुछ डेटा जो है उसको इंसर्ट कर देगा। मैं क्यूरी को रन कर देता हूँ, तो क्यूरी मेरा यहाँ पे रन हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है और एरर क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे एरर है कि सिंटेक्स एरर टॉप रेटेड फिल्म्स, ओके, टॉप रेटेड फिल्म्स में कुछ सिंटेक्स एरर है। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो टेबल्स क्रिएट करते हैं इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पे स्कीमा में या फिर मैं टेबल में अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे ये टेबल यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ये टेबल है, इसको मैं ऑल रो कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं ऑल रो कर लेता हूँ, व्यू करा लेता हूँ। तो ये दोनों टेबल मेरे पास आ गए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अभी तक डेटा नहीं है, तो डेटा इंसर्ट मैं कर देता हूँ। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला क्यूरी है टॉप रेटेड वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके ऊपर, ताकि दोनों जो क्यूरी है वो एक साथ चलेगा। तो पहले ये वाला एग्जीक्यूट करेगा इंसर्ट वाला, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देगा सेलेक्ट वाला, ठीक है। तो मेरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, अभी भी यहाँ पे एरर है, सिंटेक्स एरर नियर टॉप रेटेड फिल्म्स, ओके, टॉप रेटेड फिल्म्स में ये एरर आ रहा है। ठीक है, क्यूरी यहाँ पे रिटर्न हो गया है। अब मैं इसको जो है उसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो बराबर ये रिजल्ट आ भी गया और सिलेक्ट वाला जो क्यूरी है वो चल गया है और रिजल्ट इसने दे दिया है। अब सेम चीज़ मैं इसके लिए करता हूँ मोस्ट पॉपुलर के लिए। तो इसके लिए भी जो क्यूरी है मेरा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ओके, और सबको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ, सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं अभी रन करता हूँ, ठीक है।
सिलेक्ट करने के बाद ये रन हो गया है और इसके अंदर जो डेटा आ गया है, ठीक है। तो अभी इसी का मैं बात कर रहा था कि जैसे सपोज मान लीजिए कि दो टेबल हो गया मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों टेबल में मुझे डेटा को गेट करने के लिए दो बार मेरे को अलग अलग क्यूरी रन करना पड़ेगा, या फिर मैं सेम क्वेरी को रन करूंगा तो एक बार पहले वाला पॉपुलेट करेगा फिर दूसरा यहाँ पे टेबल को पॉपुलेट करेगा। लेकिन ये जो है ना कि थोड़ा सा आपको ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर का। अभी यूनियन ऑपरेटर क्या काम करेगा वो एक बार देखते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे दो चीजें, एक यूनियन है और एक यूनियन ऑल है। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको जब एग्जांपल हम लोग देखेंगे ना तब आपको ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो मैं इस क्यूरी को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक बार और रन करता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। ये आ गया है मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स का। अभी टॉप रेटेड फिल्म को भी मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं डालता हूँ, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक इसके लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स के लिए, और एक यहाँ पे टॉप रेटेड के लिए, और दूसरा जो है यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो अभी आपको देखना यह है कि किसका रिजल्ट यहाँ पे देगा। जाहिर सा बात है कि जो टॉप रेटेड फिल्म का है उसका देगा, क्योंकि पहले इसने दे दिया इसका, उसके बाद जस्ट अपने दूसरा क्यूरी रन किया तो इसके बाद इसने जो टॉप रेटेड वाला टेबल है इसको इसने पॉपुलेट करके यहाँ पे उसका रिजल्ट दे दिया है। लेकिन मुझे क्या, मैंने बोला था कि दोनों टेबल का रिकॉर्ड मुझे चाहिए, ठीक है। तो दोनों टेबल का रिकॉर्ड के लिए जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है कि आप पहले एक सिलेक्ट क्यूरी लिखिए यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सिलेक्ट क्यूरी है वो लिखेंगे, और बीच में यहाँ पे आप क्या दे देंगे, यूनियन दे देंगे। अभी यूनियन देने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेमी कोलन हटा दूंगा, ठीक है। यूनियन प्रीडिफाइंड कीवर्ड है तो इसको आप इस तरह से आप लिख सकते हैं यूनियन, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोनों जो टेबल का रिकॉर्ड है, ठीक है, वो आ गया है। दोनों टेबल का जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो चार रिकॉर्ड है, ठीक है, जो मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स में है वहाँ पे चार रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे चार रिकॉर्ड है, तो मतलब टोटल आठ रिकॉर्ड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने यूनियन को यूज किया है तो यहाँ पे छः रिकॉर्ड आया है, मतलब कि दो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे गायब है। दो रिकॉर्ड कौन सा गायब है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो एक तो जो है कि यहाँ पे गॉडफादर, ठीक है, गॉडफादर यहाँ पे आ रहा है, ओके, और एक और है यहाँ पे द डार्क नाइट, तो डार्क नाइट भी यहाँ पे आ रहा है, द गॉडफादर द डार्क नाइट, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो दोनों टेबल है उसमें भी यही है, द गॉडफादर एंड डार्क नाइट दोनों है, रिलीज डेट भी सेम है और जो आपका टाइटल है वो भी यहाँ पे सेम है। तो यूनियन का एग्जैक्ट यही काम है कि ये क्या करेगा कि जो दोनों टेबल में या फिर जो मल्टीपल्स टेबल हैं, ठीक है, उसमें से जो डुप्लीकेट जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं, ठीक है, इन सभी को रिमूव कर देगा और बाकी डेटा को क्या करेगा, कंबाइन करेगा, ओके, और उसका रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। तो जैसे गॉडफादर और डार्क नाइट दोनों टेबल में था तो इसने क्या किया है कि दोनों को रिमूव कर दिया है और एक करके दोनों को एक ही बार यहाँ पे दिखा रहा है, डुप्लीकेट करके नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप यूनियन ऑल करेंगे तब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनियन मैंने ऑल किया, ऑल, ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ तब यहाँ पे देखिए तो टोटल यहाँ पे आ गया आपको एट रिकॉर्ड, जो हम लोग को चाहिए कि दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वो सब हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टू और थ्री रो नंबर देखिएगा तो यहाँ पे गॉडफादर कनेक्ट, ओके, अगेन सिक्स सेवन में आप देखिएगा तो यहाँ पे द गॉडफादर एंड डार्क नाइट, और रिलीज डेट भी सेम है, ठीक है, और जो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला टेबल का है वो भी है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि अगर हम लोग यूनियन को यूज करेंगे, ठीक है, तो जो डुप्लीकेट है उसको ये नहीं काउंट करेगा, एक ही बार उसको काउंट करेगा। लेकिन अगर आप यूनियन ऑल करेंगे तो यहाँ पे दोनों टेबल में मैटर नहीं करता है कि डुप्लीकेट है या नहीं है, ये सारे रिकॉर्ड को आपको दे देगा एक ही रिजल्ट में। अभी इसी तरह से अगर आपको और अलग भी टेबल को लेना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यूनियन ऑल करेंगे,
ऐसे ही अगर आपको दूसरे टेबल का भी रिकॉर्ड लेना है, ठीक है, तो आप दूसरे टेबल के लिए आप क्या देंगे यहाँ पे, उसका यूनियन ऑल देंगे या फिर यूनियन देंगे, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देंगे, और दूसरा एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे आप ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूनियन का और यूनियन ऑल का है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यूनियन और यूनियन ऑल दोनों का रिजल्ट आपने देख लिया कि क्या है, और दोनों में अब जो डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि किस केस में आप यूनियन या यूनियन ऑल का आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो मोस्ट पॉपुलर फिल्म और जो टॉप रेटेड फिल्म है दोनों का जो टेबल है, ठीक है, टेबल के अंदर जो कॉलम है और कॉलम का जो डेटा टाइप है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने टाइटल रखा था, ठीक है, और रिलेटेड रखा था। सेम चीज जो दूसरा टेबल है टॉप रेटेड फिल्म्स, यहाँ भी जो कॉलम है वहाँ पे मैंने एक में आईडी है और दूसरा टाइटल है और यहाँ पे रिलीज डेट है, तो दो दो यहाँ पे दोनों में है। तो ये जो है लिमिटेशन ना, यही लिमिटेशन यहाँ पे है कि आपके पास जो दोनों टेबल हैं, दोनों दो टेबल हैं या फिर दो से ज़्यादा दो टेबल हैं, ठीक है, उसके अंदर जो कॉलम है उसका नेम और डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, एरर देगा, ठीक है। अभी जैसे देखिए जो सेल्स वाला है, सेल्स का एक टेबल है मेरे पास, इसमें देखिए यहाँ पे ब्रांड है, सेगमेंट है और क्वालिटी है, जो कि पिछले दोनों जो टेबल है उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूज करूंगा यहाँ पे यूनियन ऑल, और यहाँ पे मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे मुझे एक एरर देगा, सिंटेक्स एरर एट नियर यूनियन यूनियन ऑल, ओके। तो ठीक है, ये तो एरर इसके लिए दे रहा है। अभी मैं इसको सेव कर लिया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एरर क्या है, अभी ईच यूनियन क्यूरी मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और ये एरर इंडिकेट कर रहा है लाइन नंबर 5 पे, जो कि सिलेक्ट क्यूरी पब्लिक क्लास सेल्स का जो टेबल है वो है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे जो दो टेबल हैं या दो से ज़्यादा जो टेबल आप कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उसका आप यहाँ पे जो है कि वो कॉलम और डेटा टाइप दोनों मैच होना चाहिए, तभी यहाँ पे काम करेगा। आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो दो कॉलम है, ठीक है, उनमें टेबल जो है वो मैच होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं किस जगह पे इसका यूज करूँगा, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक ऑनलाइन का वेबसाइट आप बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको दो टाइप का डेटा है, एक तो ऑनलाइन सेल का है, सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक स्टोर है, ठीक है, उस स्टोर में आपके पास दो टाइप का डेटा को स्टोर करना है। तो पहला स्टोर क्या करना है, डेटा मतलब प्रोडक्ट तो आपका एक ही है सेल्स में, ठीक है, और उसको आप दो जगह पे सेल कर रहे हैं, इन स्टोर सेल कर रहे हैं और दूसरा जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट आप एक ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर ऑनलाइन में आप सेल करें या फिर आप इन स्टोर सेल करें, तो प्रोडक्ट आईडी और सेल्स अमाउंट क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है, दोनों का ये सेम होगा। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका ऑनलाइन सेल है और प्रोडक्ट है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट भी सेम रहेगा और सेल्स अमाउंट भी सेम रहेगा। उस केस में क्या कर सकते हैं आप, यूनियन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग यूज करने के बजाय आप क्या करेंगे कि यूनियन यूज करेंगे, और वहाँ पे यूनियन का आप यूज करके दोनों का डेटा अगर आपको एक साथ दिखाना है कि भाई टोटल कितना सेल हुआ, ठीक है, मेरे जो अब मेरा जो कंपनी है, ठीक है, वहाँ पर टोटल कितना सेल हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, तो वहाँ पे आप दोनों का यूज कर सकते हैं। तो एक ही बार आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक ही क्यूरी में आपको मिल जाएगा। सेम चीज़ आपके पास सपोज मान लीजिए कि दो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो दोनों डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी क्या होगा, एक ही होगा, वहाँ का एम्प्लॉय आईडी यहाँ का एम्प्लॉय आईडी एक ही होगा, तो इसलिए भी आप यहाँ पे ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कस्टमर आईडी, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 या 3 साल का आपको डेटा लेना है, ठीक है, और एक ही कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर का आईडी तो एक ही रहेगा, राइट, वो तो हर बार चेंज नहीं होगा, नए कस्टमर आएंगे उनका कस्टमर आईडी इंक्रीमेंट होते रहेगा, लेकिन पुराने कस्टमर जो 3-4 साल से हैं उनका कस्टमर आईडी से क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो 2024 में हो या फिर 2023 में हो, ठीक है, तो उससे तो मैटर नहीं करता है। तो वहाँ पे क्या होगा, कस्टमर आईडी सेम होगा और ऑर्डर डेट जो है वो आपका जो कॉलम नेम है ऑर्डर डेट का वो भी सेम रहेगा दोनों टेबल में, राइट। तो कस्टमर आईडी का कॉलम और ऑर्डर डेट का कॉलम, चाहे वो 2024 में आप यूज करिए या फिर 2023 में आप यूज करिए, कॉलम तो आपका सेम रहने वाला है। सेम जैसे मैंने बोला था आपको कि प्रोडक्ट आईडी और सेल्स अमाउंट, आप किसी भी ईयर में जाइए, कभी भी जाइए, तो कॉलम तो आपका सेम ही रहने वाला है टेबल में। तो ऐसे केसेस में आप यूनियन के यूज कर सकते हैं कि आपको अगर पूरा टोटल डेटा निकालना है,
ठीक है, चाहे ऑनलाइन का हो, चाहे ऑफलाइन का हो, चाहे कस्टमर का हो, चाहे 2023 का हो, चाहे 2024 का हो, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं, यूनियन और यूनियन ऑल का। इसके बजाय कि आपको मल्टीपल जो क्यूरी हैं उनको लिखने पड़े और बाद में आपको अलग से काउंट करना पड़े। ठीक है, एक बार इसको हम लोग समरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे समरी कुछ इस तरह से है कि अगर आप यूनियन यूज करते हैं तो कंबाइंड रिजल्ट सेट में जो टू क्यूरी हैं उसमें से जो रिटर्न करेगा उस डिस्टेंट रो को केवल रिटर्न करेगा, मतलब कि जो डुप्लीकेट नहीं है उनको केवल रिटर्न करेगा। अगर आप यूनियन यूज करते हैं तो कंबाइंड जो रिजल्ट सेट है उसमें दोनों क्यूरी को, ठीक है, दोनों क्यूरी का रिजल्ट देगा, लेकिन जो डुप्लीकेट रो हैं उनको भी ये देगा, ठीक है, मतलब सारे रिकॉर्ड को देगा। लेकिन अगर आप यूनियन यूज करते हैं तो केवल वो डिस्टिंक्ट रो को देगा, मतलब कि जो डुप्लीकेट नहीं है उनको देगा, और डुप्लीकेट वाले में से सिर्फ एक ही का ये रिजल्ट देगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा गॉडफादर और डार्क नाइट दोनों में था तो इसने एक ही बार दिया था यूनियन में, लेकिन जब आप यूनियन ऑल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आई होप कि ये अब जो वीडियो है वो आपको समझ में आया, ये तो जो टॉपिक है यूनियन और यूनियन ऑल का, ये आपको अच्छे तरह से समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे हमको कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।